हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, आज एक ऐसे शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ जिस पे लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। स्टॉक का नाम है विप्रो। आईटी में थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है और आप सभी को पता है कंटिन्यू बढ़िया रिटर्न्स डिलीवर करके दिए हैं आप सभी को इस स्टॉक ने, और साथ ही साथ इस स्टॉक पे लोगों का भरोसा जो है वो शुरू से काफ़ी ज़्यादा हाई रहा है। ऐसे में स्टॉक ऊपर से अच्छा खासा करेक्ट हो गया है, 740 का हाई है और 600 पे स्टॉक अवेलेबल है। और ये तो कुछ नहीं, स्टॉक अभी नीचे में आपको 560 से 530 से घूमता हुआ दिख रहा है, 560 से सॉरी गाइस। तो आगे की इस स्टॉक में क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या ये शेयर यहाँ बाय करना चाहिए या फिर ऊपर आ गया निकल जाना चाहिए। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं मार्केट में भी कंटिन्यू उठापटक चल रही है, और सबसे बड़ी बात लास्ट दो दिन की जो रैली थी उसमें आईटी ने पार्टिसिपेट नहीं कराया। उससे भी बड़ी बात फ्राइडे के सेशन में डाउ जोन्स में आईटी स्टॉक्स पिटते हुए दिखे हैं, जहाँ पे इन्फोसिस का एडीआर करीब 2.5% डाउन था और विप्रो का भी 1.5% वीक था। मंडे कल के सेशन में देखना होगा कि कैसे ओपन होते हैं, हो सकता है नेगेटिव गैप डाउन देखने को मिल जाए स्टॉक्स में एडीआर के चलते, हो सकता है मार्केट के चलते ऊपर भी आ जाए। ठीक है, वॉल्यूम्स की बात करूं तो कुछ दिनों से आईटी स्टॉक्स में वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं। स्टॉक की बात करूं तो इसमें भी 8.5 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड होते हुए दिखे हैं, एवरेज वॉल्यूम 9 मिलियन हो गया। हालांकि कुछ दिन पहले इसमें 6-7 मिलियन का एवरेज वॉल्यूम था, ज़्यादा वॉल्यूम्स ट्रेड होने के कारण एवरेज वॉल्यूम्स अप हो गया है। ठीक है, स्टॉक की बात करूं तो 601 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है थर्सडे के सेशन में। फ्राइडे को आप सभी को पता है होली के चलते कहीं ना कहीं छुट्टी थी। स्टॉक में देखा जाए तो कंटिन्यू 530 के लेवल से वन साइडेड रैली देखने को मिल रही है, जो कि 600 रुपये तक आ गई है। ये स्टॉक मैंने आपको सजेस्ट भी करा था गाइस करीब करीब 550 के लेवल्स पे, जहां मेरा 580 का टारगेट था, और उसके ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद मैंने आप सभी के साथ कहीं ना कहीं कहा था कि 600 रुपये तक जाएगा ये स्टॉक, और जिस दिन 580 के ऊपर निकला उस दिन 600-598 का हाई लगाया, फिर दोबारा आपको 580 के करीब मिला, और अभी आप देख रहे हैं 610 का इसने हाई लगा दिया है। चार्ट फॉर्मेशन देखूं तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक महीने का चार्ट हाइयर हाई बनते जा रहे हैं, वन साइडेड रैली जा रहा है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा है एक भी बार। ट्रेंड लाइन का लो देखें अगर एक महीने के चार्ट पे तो 585 का निकल के आ रहा है। अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो कहीं ना कहीं स्टॉक ने अपना जो 588 का ऊपर में स्पाइक के साथ जब नीचे गिरा था, ये स्टॉक 750 रुपये से नीचे में लो लगाया इसने 544 और ऊपर आया था 588 पे, उसके बाद से स्टॉक ने वो लेवल्स ब्रेक नहीं करे और वहीं पे ट्रेड करता रहा, उसके नीचे ही ट्रेड करता रहा। अभी 584 निकालने के बाद 584 एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। ऊपर में कहां तक जा सकता है, 645 टू 650 तक ये स्टॉक आपको स्क्रीन पे लेवल्स दिखा सकता है। तो जिसके पास है वो होल्ड करे 585 के एसएल से, ये तो समझ में आ गई हमें पोजिशनल के रूप में। ठीक है, अभी जिसके पास नहीं है क्या वो इन स्तरों पे बाय कर सकता है, तो बिल्कुल बाय कर सकता है। 15 रुपए का एसएल है, 45 रुपए का टारगेट है, 1:3 का रेशो हो रहा है। मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड फेवर में आपको बाय करना चाहिए, और अगर आपको इंट्राडे 595-590 मिल जाए तो वो एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। ठीक है, और हो सकता है मंडे के सेशन में आपको देखने को मिले ऐसा कुछ। ब्रोकरेज हाउसेस, आप सभी को पता है स्टॉक पे बोले 700-750 के लक्ष्य ब्रोकरेज हाउसेस के एक साल के, तो अगर ये लक्ष्य हासिल होते हैं करीब 20-22% हो गया आप रख सकते हैं। बोनस की भी गुंजाइश है इस साल पूरे आईटी बैग में। हर आईटी स्टॉक की बात करें तो करीब 2-3 साल में बोनस दे देते हैं, और लास्ट इन स्टॉक्स का बोनस आया 2018 पे। 2022 चल रही है, 4 साल हो चुके हैं, कोविड में के चलते 22 में नहीं दिया, प्लस 2021 में रैली शार्प आई फिर भी नहीं दिया, लेकिन अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस साल आपको हिस्ट्री के हिसाब से जो चलता आया है उसके हिसाब से बोनस आता हुआ दिख सकता है। स्टॉक्स की बात करूं तो इतने ही लेवल पे कहीं ना कहीं बोनस डिक्लेयर करते हैं कंपनी। फॉर एग्जांपल इन्फोसिस 2100-2200 पे आ जाता है तो बोनस आ जाता है, और इन्फोसिस का प्राइस कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस साल 2100-2200 कहीं ना कहीं आपको आता हुआ दिखेगा, 1900 तो हो ही गया है। SCL टेक भी अच्छे खासे लेवल्स पे आ गया है। विप्रो की बात करूं तो 600-700 बोनस कहीं ना कहीं डिक्लेयर होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर आपको पता है 700-800 के करीब ही बोनस डिक्लेयर कर देता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनमें बोनस की गुंजाइश आ रही है। अभी वैल्यूएशन देखो 27 के वैल्यूएशन पे है, 3 लाख करोड़ प्लस का मार्केट कैप है, शानदार कंपनी है, रिजल्ट शानदार आ रहे हैं, आउटलुक शानदार है, कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे लेवल्स पे भी आपको मिल रहा है, और ये अपॉर्चुनिटी के रूप में आपको ट्रीट करना चाहिए। रिजल्ट्स की बात करूं तो एसेंचर के रिजल्ट्स की जो एस्टीमेट है वो कहीं ना कहीं बीट करती हुई दिख रही है फॉरकास्ट कहीं ना कहीं। तो अगर एसेंचर के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे आईटी में तो कहीं ना कहीं यहाँ इंपैक्ट आपको जरूर देखेगा, क्योंकि बहुत शानदार उम्मीद है रिजल्ट्स की। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो आपको पता है इन्फोसिस गैप अप खुलता है बढ़िया करके,
विप्रो भी सेम गैप अप आता है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ से 6 महीने का लक्ष्य लेके चले, अगर आप 6 महीने के टाइम पीरियड का, तो आपको 700 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो पॉजिटिव व्यू है, बाय करने की सलाह 585 के SL से, क्योंकि अगर उसके नीचे निकलेगा ये स्टॉक तो आपको दोबारा से कहीं ना कहीं 560 550 के लेवल स्क्रीन पे आते हुए दिख सकते हैं। तो मेरी बाय की रिकमेंडेशन है 585 के SL से, और मेरा टारगेट होगा करीब करीब 650 रुपये का। तो यदि मेरी वीडियो विप्रो शेयर पे वो आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।